सुझाव है, ये अगर कानून था तो पहले भी लाना चाहिए था। एक और विषय है जिसको शायद आप, मैंने वो क्लैरिफिकेशन कर लिया कि ये सरकारी सेवकों के लिए, क्योंकि 15,000 मकान है, 3,000 एविक्शन के प्रोसेस में है, इसमें सरकारी लोगों का भी है। और दिल्ली शहर में बहुत सारे डेजिग्नेटेड हाउसेज होते थे, लेकिन एक परंपरा इस देश में और भी आ गई है कि जब सरकारी अधिकारी, अब क्षमा कीजिएगा, ये हर सरकार में होता है, कोई नई बात नहीं है, जब अवकाश प्राप्त होने वाला होता है तो वो कुछ ऐसा अपना व्यवस्था कायम करता है कि सरकार के बाद भी किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाए, और उसके बाद वो उस स्थान पर पहुंच करके उस मकान के लिए लायक हो जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई बार डेजिग्नेटेड हाउसेज होते हैं, और जो डेजिग्नेटेड हाउसेज के व्यक्ति हैं उस मकान में, जैसे आर्मी चीफ का डेजिग्नेटेड है, नेवी चीफ का डेजिग्नेटेड है, सीबीआई चीफ का डेजिग्नेटेड है, जैसे मेरा ही घर जहां मैं रहता था वह किसी के लिए डेजिग्नेटेड था, सीबीआई डायरेक्टर के, 30 साल से वहां सीबीआई के डायरेक्टर थे, किसी कारणवश उनको जाना हुआ, यूपीएससी में चले गए, कहीं चले गए, फिर वो मकान को डेजिग्नेटेड हाउस से बाहर निकाल करके अपने लिए। तो जो सरकारी सेवा में रहने वाले अधिकारी अच्छे भी लोग होते हैं, एक प्रावधान आपको लाना चाहिए जो सरकार में कार्य क्षेत्र के बाद विस्तार चाहते हैं 60 साल की सेवा के बाद, आप तो हमें उठा करके बाहर फेंकेंगे, लेकिन जो सरकार में रहने का विस्तार चाहते हैं उनको रेंट दे करके बाहर के मकान में, ताकि ये जो मोह माया है कि सरकार में 60 साल के सेवा करने के बाद भी हम उस मकान में बने रहे, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ये भी सोचना चाहिए। महोदय, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सोचने वाला समय है कि डेजिग्नेटेड हाउसेज की परंपरा है। स्पीकर महोदय अभी सुमित्रा जी हटी, मकान खाली करके गई, दूसरे स्पीकर साहब आएंगे उसके बाद जाएंगे, तो ये डेजिग्नेटेड हाउसेस का और सरकारी सेवा में रह करके उसे पकड़ करके रखने का, ये इस व्यवस्था के बारे में आप जरूर विचार करेंगे, ऐसा है। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है और इस सदन को कहने में कि आज जो एक नॉर्थ एवेन्यू में जो मकान बनाए गए हैं, इस मकान के लिए मैंने पूरी ताकत, मैं सदस्य कहीं नहीं था, मैं पिछले 3 साल से वहां जाकर के हाउसिंग कमेटी का सदस्य ना होकर के भी, कैसे पहले वो 3 कमरा था उसको मैंने 5 कमरा करवाया, बेसमेंट के लिए अनुमति ली, और हाँ नहीं, उसका ड्राइंग हमने अपने हाथों से आर्किटेक्ट के साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कुछ मित्रों ने मिलकर के मैंने उसका डिजाइन बनाया, और उसके आगे का लाइन मैंने उसका अलाइनमेंट भी फीता लेकर के अपने से नॉर्थ एवेन्यू का बनाया है, और एक एक बिजली का पॉइंट कहाँ होगा उसके बारे में तैयारी की, उसके अंदर लिफ्ट हो, तिमजले तक जाए, जो मास्टर बेडरूम हो वहां से बाहर ग्रीनरी दिखे, गार्बेज डेवलपमेंट हो, सांसद के जाने का मार्ग अलग हो, विजिटर्स का लोग, हमने छोटे से स्थान में कोशिश किया, स्टाफ के लिए जगह नहीं था उसके लिए, और नीचे बेसमेंट में इस बार टॉयलेट नहीं है, अगला टॉयलेट, मेरा विषय वो नहीं है। मैंने जिस दिन ये कहा था, और मैंने अपने मित्रों से भी कहा और सरकार से भी कहा कि साहब ये जो है, जो माननीय सांसद आ गए यहां, वो नेता है सर, उससे बड़ा ताकत किसी का नहीं, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, जो पहली बार खंभे के पीछे हैं, जो इस सदन में आ गया, ईश्वर की कृपा, लोक की कृपा, वो बहुत बड़ा आदमी है। और ये टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, ये आखिर क्या है? सांसदों के लिए 2 ही श्रेणी हो, और श्रेणी का नंबर आपको जो देना हो, जो पहली बार दूसरी बार आए उसको 1 अच्छा मकान दीजिए, 3 बार के बाद जो आए उसको दे दीजिए, और दोनों की समतलता संप्राप्तता कर दीजिए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, 1 ही बार कर दीजिए। आप पूरे भारत की सरकार के अधिकारियों के लिए और मंत्री जी के लिए स्वयं के लिए, उनके लिए टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10 बनाते रहिए, क्योंकि अंग्रेजों को बनाया वो मकान था, उसका कैटेगराइजेशन आपने कर दिया, हमारे लिए 2 श्रेणी का मकान बना दीजिए जी सर, जो मंत्री हो वो आपके खाते में चले जाए, जो सांसद हो 2 बार के बाद 3 बार के, ये टाइप 7 नॉर्थ में हो, सब टाइप खत्म कर दीजिए, 2 कैटेगरी में डाल दीजिए, ये घर घर जाकर के निवारा करने का सिस्टम खत्म हो जाए, दूसरी बार आए तीसरी बार आए 1 उसका कर दीजिएगा, तो हमेशा ये कैटेगराइजेशन भारत की सरकार में खत्म होना चाहिए, और इसको लागू करने का प्रयास करें, अगर विचार करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा, सांसदों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इफ ए टाइप 7 अकोमोडेशन विच इज विथ सम मेंबर is sought to be allotted by us to another honorable member,
We do not expect the person who is in present occupation to vacate it till an alternate house has been allotted to that member. Designated accommodation is only meant for certain specified people. If certain families choose to keep on to a house or certain officials do it, I will not subscribe to that. And I assure the House that if some people are utilizing loopholes in the system to do that, we will move against those people, no matter who they are, officials or members of parliament, because the requirements of equity and justice demand that. So I'm very clear that will be done.